दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है रेडियो सक्रियता, और हम ये ल्यूसेंट का नया चैप्टर जो है पूरी तरह से एक्सप्लेन करके आपको समझाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडियो एक्टिवता की खोज, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रेडियो एक्टिवता की खोज या फिर रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो दोस्तों ये तीन वैज्ञानिक थे, हेनरी बैकरल और पीरे क्यूरी और मैडम क्यूरी, इन्होंने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। और मैडम क्यूरी ने एक और खोज की थी जिसका नाम था रेडियम, तो रेडियम की खोज भी मैडम क्यूरी को जाती है। मैडम क्यूरी को रेडियम की खोज पर और रेडियो सक्रियता की खोज पर इन्हें दोनों बार अलग अलग टाइम पर नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, एक बार फिजिक्स में एक बार केमिस्ट्री में। तो संयुक्त रूप से इन तीनों को ही नोबेल पुरस्कार मिल चुका है रेडियो सक्रियता पर। और जिन नाभिकों में प्रोटोनों की संख्या 83 या उससे अधिक होती है वे अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब क्या होता है दोस्तों? अस्थायी वो होते हैं जिसमें अनबैलेंस, आप अनबैलेंस कह सकते हैं कि अनबैलेंस जो एटम्स होते हैं, जो ज्यादा भारी एटम्स होते हैं वो अनबैलेंस एटम होते हैं, और वो जो भारी एटम है वो अपने आप को अपने आप के अंदर से, नाभिक के अंदर से इलेक्ट्रॉन वगैरह या फिर आप ये कहें कि गामा रेज, बीटा रेज और अल्फा कण निकालकर अपने आप को स्थायी बनाते हैं। तो अपने आप को स्थायी बनाने का इनका ये जरिया है। ये स्थायी तभी बनेंगे जब ये अस्थायी होंगे। तो पहले ये अस्थायी होते हैं, अस्थायी वही होते हैं जो बड़े बड़े जिनके जिनके जो रेडियस है, जिनकी एटम्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, वो अस्थायी होते हैं। और जनरली पीरियोडिक टेबल में ये देखा गया है कि जो एटम्स परमाणु क्रमांक 83 से आगे के हैं वो अस्थायी हैं। तो परमाणु क्रमांक 83 भी अस्थायी है। इससे पहला वाला जो होता है 82, परमाणु क्रमांक 82 जो होता है लेड का पीवी, जो कि कार्बन फैमिली का एक एलिमेंट है लेड, ये लेड जो है ये स्थायी तत्व है। तो लेड स्थायी तत्व है, इससे आगे के जितने भी एलिमेंट है वो अस्थायी है। परमाणु क्रमांक 83 वाला भी अस्थायी है। तो जिन नाभिकों में प्रोटोनों की संख्या 83 या उससे अधिक होती है वे अस्थायी होते हैं, और अपना स्थायी रूप पाने के लिए वो अपने अंदर से, अपने नाभिक के अंदर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा गामा किरणें निकालते हैं। तो ये निकलती कहां से है? ये निकलती है नाभिक से। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि अल्फा बीटा गामा किरणें कहां से निकलती है? पहला ऑप्शन नाभिक में से, दूसरा ऑप्शन ऑर्बिट में से जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, चौथा ऑप्शन स्पेस में से जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मूव करने के बीच में जो स्पेस है वहां से निकलती है, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सीधा सीधा हो जाएगा नाभिक में से, ये नाभिक के अंदर से निकलती है। और अगला क्वेश्चन इसमें से जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि क्या प्रोटोन निकलते हैं नाभिक में से? तो जवाब होगा नहीं, प्रोटोन नहीं निकलते नाभिक के अंदर से। देखते हैं आगे को पढ़ते हैं। ऐसे नाभिक जिन तत्वों के परमाणुओं में होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। मतलब क्या, जिन जो तत्व ऐसे होते हैं जो अल्फा बीटा गामा किरणें निकालते हैं अपने अंदर से, वो क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। और ये पूरा फिनोमिना कहलाता है रेडियो सक्रियता। तो रेडियो सक्रियता ये पूरा फिनोमिना है, रेडियो एक्टिव तत्व वो कहलाएगा जो ऐसी घटना पैदा करेगा, जो अस्थायी होगा, अल्फा बीटा गामा किरणें अपने अंदर से निकालेगा, वो होगा रेडियो एक्टिव तत्व। आगे को देखते हैं। गामा किरणें अल्फा एंड बीटा किरणों के बाद ही उत्सर्जित होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गामा किरण कुछ नहीं है, ये फोटोन है। गामा किरण कुछ नहीं है, ये फोटोन है। फोटोन का मतलब ये है कि एनर्जी है, लाइट के रूप में बाहर निकलती है नाभिक के अंदर से। अल्फा एवं बीटा किरणों के बाद ही ये गामा किरण निकलनी स्टार्ट होती है। रॉबर्ट पियरे एवं उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने नए रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की थी। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रेडियम की खोज हो चुकी है मैडम क्यूरी के द्वारा, लेकिन उनके उनके पति भी थे जिनका नाम था पीरे क्यूरी, रॉबर्ट पियरे उनके पति थे, उन्होंने और उनकी बीवी ने दोनों ने मिलकर रेडियम की खोज की थी। और रेडियम की खोज एक पदार्थ से हुई थी जिसका नाम था पिच ब्लेंडे। तो पिच ब्लेंडे नामक पदार्थ से हुई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि रेडियम की खोज किस मटेरियल से की गई? तो पिच ब्लेंडे से की गई रेडियम की खोज। बहुत ज्यादा अमाउंट का पिच ब्लेंडे लिया गया, उसमें से थोड़ा सा अमाउंट रेडियम का भी निकला। आगे देखते हैं। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 में की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। तो रदरफोर्ड ने इस चीज की पहचान की थी कि हाँ नाभिक के अंदर से किरणें निकलती हैं, कौन कौन सी निकलती है, कैसे कैसे निकलती हैं, ये सब चीज पता लगाई थी रदरफोर्ड ने। तो रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान, जो किरणें निकली उसकी पहचान जो की थी रदरफोर्ड ने की थी। ये आपको हर चीज बिल्कुल क्लियर रखनी है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? वो तीन आदमी थे, हेनरी बैकरल, पीरे क्यूरी, मैडम क्यूरी। और मैडम क्यूरी को इस पर नोबल मिला, इन तीनों को ही नोबल मिला। मैडम क्यूरी ने एक खोज और की थी, वो की थी रेडियम की। आगे देखते हैं। सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद ही
अंततः सीसा मतलब लेड में बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं ये मैंने ऊपर रीजन बताया था, क्योंकि लेड जो होता है वो 83 से पहला वाला तत्व होता है, 83 से पहले तत्व आता लेड, लेड होता है स्थाई, और लेड के आगे के तत्व जितने भी होते हैं वो अस्थाई होते हैं, और अस्थाई तत्व अपने आप को स्थाई बनाने के लिए अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं ताकि वो अपना स्थायित्व बना रखें। आगे देखते हैं, तो अल्फा बीटा गामा किरणों के हम गुण पढ़ने वाले हैं। दोस्तों एक बात और बता दूं, अल्फा किरणें जो होती हैं वो हीलियम का नाभिक होता है, ये रहा हीलियम, इसका नाभिक होता है अल्फा किरणें। अल्फा किरणा इसका क्या होता है, नाभिक होता है, और बीटा किरणा ये होता है, बीटा किरणा कुछ नहीं है ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और गामा किरणा क्या है, गामा किरणा कुछ नहीं है ये एक रोशनी है मतलब फोटोन है। तो देख लेते हैं किस तरह से क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो अल्फा किरणा होती है वो नाभिक से निकलती है, और नाभिक से ही बीटा किरणा निकलती है, और गामा किरणा भी नाभिक से निकलती है। दोस्तों ये तीनों ही किरणें नाभिक से निकलती हैं। क्यों निकलती हैं, क्योंकि जिन एटम्स के नाभिक बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और अस्थायी होते हैं वो अपने आप को स्थायी बनाने के लिए अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा किरणें निकालते हैं और लास्ट में स्थायी तत्व लेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं नेचर क्या है इनका। तो जो अल्फा किरणें होती हैं ये धनात्मक होती हैं, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन के दोगुना चार्ज पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसका दोगुना वो भी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है कि इन पर अल्फा किरणों पर। बीटा किरणें ये होती हैं कुछ नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, निगेटिव का होता है, माइनस के 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। और जो गामा किरणें होती हैं दोस्तों, गामा किरणें क्या है, एक्चुअली एक फोटोन है। फोटोन क्या है, एक ऊर्जा है, ऊर्जा जो है बंडल्स के रूप में चलती है जिनको फोटोन कहा गया था, और ये किसने कहा था, ये आइंस्टाइन ने कहा था। तो ये फोटोन जो है इन पर किसी तरह का कोई आवेश भी नहीं होता, और किसी तरह का कोई चार्ज भी, चार्ज के साथ साथ किसी तरह का कोई मास भी नहीं होता और आवेश भी नहीं होता है फोटोन पर। और एक चीज और देखी गई थी, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट को कौन कौन प्रभावित कर देते हैं, अल्फा भी कर देती है, बीटा भी कर देती है, और गामा, तीनों ही फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ और सिर्फ बीटा रेज और गामा रेज ही, सॉरी बीटा रेज और अल्फा रेज ही विक्षेपित होती है, बाकी गामा रेज नहीं होती। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड अगर आप यहां लगा दो और उसके बीच में से अल्फा किरणें पास कराओगे तो अल्फा किरणें विक्षेपित हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में विक्षेपित हो जाएंगी। ऐसे ही होगा बीटा किरणों के साथ, तो बीटा किरणें भी विक्षेपित हो जाएंगी। आगे देखते हैं, सबसे अधिक भेदन क्षमता जो होती है वो गामा किरणों की होती है। दोस्तों गामा किरणें क्या, मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये एक तरह की रोशनी है, ये एक तरह के फोटोन्स हैं। तो फोटोन्स हैं तो जाहिर सी बात है इनकी चाल भी बहुत ज़्यादा होगी, जब चाल बहुत ज़्यादा होगी तो इनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम चाल बहुत ज़्यादा, जब चाल ज़्यादा होगी दोस्तों, चूँकि विजुअल टू होता है एन लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है इनकी, कम होती है, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इनके पास एनर्जी कम होगी, लेकिन इनकी भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होगी। अब गामा किरणें क्या, गामा किरणें तो एक्चुअली ये कुछ नहीं है, रोशनी ही है जो नाभिक के अंदर से निकलती है, और सबसे अधिक आयनन क्षमता उसकी होगी जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा द्रव्यमान जो पाया जाता है वो पाया जाता है अल्फा किरणों का, 6.6 × 10^-27 किलोग्राम, और यह है इलेक्ट्रॉन। बीटा किरणें क्या, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों पर जो मास पाया जाता है वो 10^-31 कोटि का पाया जाता है। तो अल्फा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होगी क्योंकि ये सबसे ज्यादा भारी होती हैं, और बीटा किरणों की जो होगी वो गामा किरणों से ज्यादा और अल्फा किरणों से कम होगी भेदन क्षमता। ठीक है, अब देख लेते हैं, अब यह स्थायी नाभिक एवं अस्थायी नाभिक में अंतर क्या है। तो अस्थायी नाभिक क्या होते हैं, अस्थायी नाभिक वही होते हैं जिनकी परमाणु संख्या बहुत ज्यादा होती है, द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, और ये बड़े आकार के होते हैं। और n/p की वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा भाई आपसे, ये पूछा जाएगा n/p की वैल्यू जो होती है वो एक से ज्यादा होती है। एक से ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि दोस्तों जो अस्थायी होते हैं नाभिक उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटोनों की संख्या से ज्यादा होती है। अब देखो ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से ज्यादा होगी तभी तो इसकी वैल्यू एक से ज्यादा आएगी, तो देख लो एक से ज्यादा है। ठीक है, और जब n/p की वैल्यू बिल्कुल बराबर होगी, जितने न्यूट्रॉन होंगे इतने प्रोटॉन होंगे, तो ऐसे नाभिक को बोलेंगे हम स्थाई है, जिसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। चलिए आगे चलते हैं, आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब क्या है, एक अल्फा कण जब नाभिक के अंदर से एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु संख्या में 2 की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। चूंकि हम जानते हैं कि ये होता क्या है, ये हीलियम का नाभिक होता है ना, 2He4 अल्फा कण, तो जब एक अल्फा कण किसी नाभिक से निकलेगा तो उसके नाभिक में 4, उसके द्रव्यमान में आ जाएगी 4 की कमी, और परमाणु क्रमांक पर असर पड़ेगा 2 का। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी और परमाणु संख्या में 2 इकाई की कमी आ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं,
और बीटा किरणों का क्या है दोस्तों, एक बीटा किरण के निकलने से बीटा किरण क्या है दोस्तों, ये माइनस के 1e0 है, मतलब कुल मिला के ये इलेक्ट्रॉन ही तो है। तो इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा जब बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में एक इकाई की वृद्धि हो जाती है। अब दोस्तों वृद्धि क्यों हो जाती है, वृद्धि इसलिए हो जाती है जो चूंकि माइनस के 1e0 जब निकलेगा तो ये बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो एक इकाई की जो परमाणु संख्या है उसमें वृद्धि हो जाती है, और द्रव्यमान संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर जीरो है। अल्फा बीटा गामा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को जो हम कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं सोडी फोजान नियम से। तो सोडी फोजान नियम से हम इसका पता लगाते हैं, इसको बोलते हैं बर्ग प्रतिस्थापन नियम भी, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है आगे को, बस ये देखना है सोडी फोजान के नियम से हम पता लगाते हैं कि हाँ भाई कितना परमाणु के बारे में मतलब क्या हो चुका होगा, कितने अल्फा कण निकल चुके हैं, कितने बीटा कण निकल चुके हैं, या फिर कितने अल्फा कण निकलने से परमाणु के द्रव्यमान संख्या पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये सब जो पता लगाते हैं सोडी फोजान नियम से पता लगाते हैं। आगे देखते हैं रेडियो सक्रियता की माप जो की जाती है वो जीएम काउंटर से की जाती है। और ये पता लगाया था किसने, रदरफोर्ड ने पता लगाया था 1902 में कि हाँ कौन कौन से पार्टिकल्स किस तरह से निकल रहे हैं, तो ये जीएम काउंटर के द्वारा ही पता लगाया था। जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय तत्व की परमाणुओं की संख्या आधी हो जाती है तो वह उस तत्व की अर्ध जीवन काल मतलब अर्ध आयु या फिर हाफ लाइफ कहलाती है। तो हाफ लाइफ को बोलते हैं टी हाफ से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब सपोज दैट कोई भी मात्रा है 50 किलो का है और 25 किलोग्राम का जब तक 25 किलोग्राम का नहीं आ जाता तब तक उसकी वो हाफ लाइफ कहलाएगी। जब 25 किलोग्राम का आ जाएगा तो मतलब वही है कि मटेरियल की क्वांटिटी हाफ हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं क्लाउड चैम्बर किसको बोलते हैं, अब्रकोस्ट किसको कहते हैं। इसका उपयोग रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने, रेडियो एक्टिव कणों की कि हाँ रेडियो एक्टिव तत्व हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए एवं उनकी ऊर्जा को मापने के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार GRT विल्सन ने किया था दोस्तों, इसका आविष्कार GCRT विल्सन ने किया था। विल्सन आप याद रखिए, विल्सन क्लाउड चैम्बर की खोज जो की थी विल्सन ने की थी। कभी भी पूछा जा सकता है दोस्तों, बड़ी भद्दी एग्जाम करा रही है आजकल SSC, कुछ भी पूछ सकती है कि विल्सन ने क्लाउड चैम्बर का आविष्कार किया था। और दोस्तों जीवाश्म जो होते हैं या फिर पेड़ पौधे जो बहुत पुराने पुराने होते हैं वो उनकी आयु का पता किस तरह से लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है कार्बन डेटिंग से। कार्बन 14 के द्वारा किस तरह से पता लगाते हैं, उस पर्टिकुलर मटेरियल में कार्बन के समस्थानिक 6C12 और 6C14 का उपयोग करके हम उसका अनुपात दे लेते हैं, फिर पता लगा लेते हैं कि उसकी पर्टिकुलर उस मटेरियल की आयु कितनी है। आगे देखते हैं मास एनर्जी रिलेशनशिप। दोस्तों आपको पता ही होगा द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E=mc2 जो ये इक्वेशन दी थी आइंस्टाइन ने दी थी। और ये इक्वेशन क्या कह रही थी, ये इक्वेशन कह रही थी c इसमें है वेलोसिटी ऑफ सनलाइट, जो सूर्य से निकलने वाली रोशनी है उसकी वेलोसिटी है, जिसकी 3×10^8 वैल्यू होती है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड में। और m क्या द्रव्यमान है, e क्या एनर्जी। तो ये कहा गया था कि मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, वो इस इक्वेशन के थ्रू आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो E=mc2। तो E=mc2 जो इक्वेशन दी थी वो दी थी आइंस्टाइन ने, और आइंस्टाइन को इस इक्वेशन के ऊपर 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। दोस्तों ये जर्मन में पैदा होने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक थे। आगे देखते हैं सूर्य से पृथ्वी पर लगातार ऊर्जा आती रहती है, और वो ऊर्जा जो आती है वो 4×10^26 जूल के रूप में आती है, 4×10^26 जूल एनर्जी आती रहती है पर सेकंड पूरी दुनिया के ऊपर, हर सेकंड में इतनी जूल एनर्जी आती रहती है। इससे ये पता लगाया गया कि जो द्रव्यमान घटेगा, चूंकि द्रव्यमान को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो तो एनर्जी आ रही है इतने जूल की पर सेकंड में धरती पर, तो इसका मतलब द्रव्यमान में कितना ही कमी आ रही होगी। तो कैलकुलेट करने पर पता लगा कि द्रव्यमान जो है हर सेकंड में 4×10^9 4×10^9 किलोग्राम घट रहा है हर सेकंड में। इस तरह से चूंकि सूरज बहुत ही बड़ा है लेकिन द्रव्यमान इतना घटता रहेगा, तो 1 करोड़ वर्ष तक इसकी इसी दर से अगर घटा तो ऊर्जा देता रहेगा, 1 करोड़ वर्ष तक लगातार चमकता रहेगा सूरज। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।